अमित जी, मेरा एक सवाल है हाँ जी बोलिए। जी। तो जैसे कि मेरा गॉल स्टोन हुआ है, अक्टूबर में मुझे पता चला, तो फिर उसके बाद मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना शुरू किया। तो वो मैं कंटिन्यू किया लगभग 2.5 महीना और या 3 महीना से। तो मेरा पहला जब हुआ, जब मुझे पता चला, तब 15 mm का जो था वो सबसे बड़ा। तो मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन लिया, तो वो 21 दिन के बाद जब स्कैन करवाया तो वो 12 mm का बताए। और फिर वो आयुर्वेदिक चल रहा था, फिर उसके बाद 1 महीना या 1 महीने 10 दिन के बाद जब चेक करवाया तो दूसरे जगह पर, तो वो 18 mm का बताए। फिर वही आयुर्वेदिक मेडिसिन ही चल रहा था, फिर उसके बाद एक और महीने के बाद में जब चेक करवाया तो 14 mm का बताए। और इसके बाद मैं आयुर्वेदिक बंद करके मैं फिर होम्योपैथी लेना शुरू किया। तो होम्योपैथी जब लिया तो वो 14 mm से, फिर वो अभी आखिरी में करवाया अभी 5-6 दिन पहले, तो वो 15 mm का फिर बता रहे हैं। और ये सब अलग अलग जगह पर ही मैं स्कैन करवाया हूँ। तो अभी होम्योपैथी मुझे लिए हुए 2 महीना हो गया, लेकिन मतलब अक्टूबर से ये आयुर्वेदिक और होम्योपैथी ले रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं मैं हुआ। आपको बता देता हूँ। एक लेडी आई थी मेरे पास में मल्टीपल स्टोन गॉल ब्लैडर में उसके उसको लेके, तो मैंने बोला, उन्होंने कहा कि क्या एक और कि चीज बता देना चाहता हूँ। तो हाँ ये जो आखिरी जो स्कैन किया, तो मैं इसके बाद इस पर मैं डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया, तो वो बताया कि मैं इनको वो सब बताया आयुर्वेदिक और होम्योपैथी। तो वो बोले कि देखिए, ये सब जो होता है वो स्कैन वो नहीं होता है, उसका एक ही इलाज है, वो ऑपरेशन करना पड़ेगा, गॉल ब्लैडर को निकालना पड़ेगा। और मैं बोला कि नहीं, ऐसा होता है और होम्योपैथी से कुछ कुछ सही हुए हैं। तो फिर बोले कि मुझे 3-4 नाम बताए, जैसे कि वो किडनी वो जो स्टोन वो हुआ है किसके लिए हुआ है, फैट से हुआ है या फास्फोरस से हुआ है या एसिड से हुआ है, वो टाइप ऑफ स्टोन क्या है। तो उसके हिसाब से कुछ कुछ स्टोन है जो मेल्ट हो जाता है और कुछ कुछ नहीं होता है, तो उसे निकालना ही पड़ता है, ऐसे वो बोल रहे थे डॉक्टर। हाँ ठीक है। तो एक लेडी आती है और वो कहती है मल्टीपल स्टोन है और बड़े स्टोन। तब मैंने कहा कि आपका कुंभक से ना स्टोन निकलने लग जाएगा, तो किसी को भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कुंभक शुरू किया, उनके स्टोन एक्चुअली निकलने लग गए। निकलने लगे, छोटे छोटे स्टोन तो निकल गए। एक बड़ा स्टोन था, वो बहुत ही बड़ा था, 18 mm के आसपास में वो था। तो वो निकला तो फंस गया, गॉल ब्लैडर का जो डक्ट होता है उसमें फंस गया, क्योंकि वो वहां से निकल नहीं पाया। तो उनको पेन हुआ तो हॉस्पिटल ले गए, फिर वो ऑपरेट करके निकाल। पहली बात, स्टोन हो क्यों रहे हैं इतने ज्यादा आजकल? पहले तो इतने ज्यादा नहीं होते थे स्टोन, आजकल क्यों होते हैं स्टोन इतने ज्यादा? तो सबसे पहली बात कि आपका शरीर जो है एसिडिक होता है तो ड्राई भी होता, सूखता भी है। जब सूखता है और इसका डिटॉक्स प्रोसेस ठीक नहीं होता, जिसे हम कहते हैं व्यान पक्ष, अगर इसका व्यान पक्ष ठीक नहीं होता और इसके अंदर वाटर जल तत्व की कमी आती है, क्योंकि आप देखेंगे आपके आसपास में वाटर जो है वो रिसीड कर गया, दूर चला गया। आपके जमीन के नीचे पानी कितना दूर चला गया? तो आपके ताल तालाब तालाब सरोवर वो सारे के सारे सूख गए, है ही नहीं, और पूरा का पूरा एनवायरनमेंट गर्म हो रहा। तो कोई चीज अगर सूखती है तो स्टोन बन जाती है। आपके शरीर में भी वाटर की अवेलेबिलिटी जो है, पानी की अवेलेबिलिटी, शरीर में जल तत्व जिसे हम कहते हैं, उसकी संरचना उस या उसका स्ट्रेंथ कमजोर हो रहा है, तो स्टोन ज्यादा हो रहा है। पहली बात ये। दूसरी बात, मूवमेंट होता रहता है आपके बॉडी में, डायनामिक बॉडी है आपकी, और आइडियली आपके बॉडी में स्टोन नहीं होने चाहिए अगर उसका डिटॉक्स प्रोसेस सही रहे तो, क्योंकि थोड़ा भी होगा तो निकल जाएगा, तो नहीं होने चाहिए। मगर हमारा डिटॉक्स प्रोसेस ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि इंसान अपने शरीर को इस्तेमाल बहुत कम करने लग गया। अगर आप पिछले 25 साल में देखेंगे तो 25 साल पहले एक इंसान कितना शरीर को इस्तेमाल करता था, आज कितना करता है, तो ये दोनों के दोनों में ड्रास्टिक डिफरेंस है। तो इसी वजह से जो डायनामिक एस्पेक्ट है बॉडी का वो भी कमजोर हो गया। अब सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? पहली बात तो, अगर कुछ चीजें आप शरीर में ठीक कर देंगे तो आपके स्टोन होने के प्रवृत्ति या टेंडेंसी रुक जाती है, तो ये तो बहुत जरूरी है करना, क्योंकि एक स्टोन आज निकालेंगे कहीं और स्टोन आ जाएगा, हेलो किडनी में स्टोन आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, कहीं और भी स्टोन आ सकते हैं। तो एक तो ये स्टोन आने की जो प्रवृत्ति है, जो आपका वीक एस्पेक्ट है बॉडी का, उसको करेक्ट करना है, ये तो जरूरी है, सबसे जरूरी। दूसरी चीज, कुछ दवाइयां जो है उससे ये निकल जाता है। आयुर्वेद में भी कुछ दवाइयां, कुछ हमारे पास भी है स्टोन की दवाइयां, जिसमें 3 दिन में ही निकल जाता, 3 दिन में ही निकल जाता है, उसको 1 महीना खाने की जरूरत नहीं होती, 3 दिन में ही ऐसा देखा गया निकल जाता है, ऐसा सपोर्ट लिया जा सकता। तीसरी चीज, अब मैं बोलना चाहूंगा,
अगर आप कुंभक करेंगे और बड़ा स्टोन है, कौन से हुआ, क्या हुआ, नहीं अभी तो प्रॉब्लम वो स्टोन है, वो स्टोन निकलेगा, कहीं वो फंसता है तो आपको पेन आ सकता है। तो पहली बात, उसको थोड़ा तोड़ने, यानी थोड़ा तोड़ने का काम कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास में प्रोडक्ट है, इसका भी रिजल्ट है अच्छा, और बहुत लोगों पे रिजल्ट आया, तो इसको यूज करके थोड़ा उसको तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आप कुंभक स्टार्ट करते करेंगे, वैसे ये अगर छोटे टुकड़े होंगे तो आराम से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस, हैविंग सेड दिस, ये कहने के बाद मैं कह रहा हूं, अगर किसी वजह से वो नहीं निकल पाता, आप उसे सर्जिकली रिमूव कर दीजिए, करवा दीजिए, लेकिन पहले एक चांस ले लीजिए कि क्या वो निकालने का चांस ले लीजिए। ऐसा भी होता है, मैं ये भी जानता हूं, लोग बहुत जगह जाते हैं और बहुत जगह बहुत सारी चीजें बेची जाती हैं, तो लोग थक भी जाते हैं कभी कभी। अल्टीमेटली इट इज योर चॉइस और आपको इस पे फैसला करना है, लेकिन एक चांस दीजिए अपने शरीर को, और अगर उसमें निकल जाता है तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। गॉल ब्लैडर निकालना कोई अच्छी बात नहीं होगी, बिना निकाले अगर स्टोन को हम निकाल सकें, अगर हम लेजर से भी उसको क्रैक कर सकें, और सिंपल कुंभक से निकल जाता है वो, मगर इसमें एक्सेप्टेंस आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एलोपैथी अभी बाकी सबसे लड़ रहा है, बाकी सब एलोपैथी से लड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हम इकट्ठे होकर काम नहीं करते, इसकी जरूरत है कि इकट्ठे होकर काम करें। लेजर से स्टोन को क्रैश किया जा सकता है और कुंभक से वो निकल सकता है, मगर इसकी एक्सेप्टेंस आने में ही बहुत समय लग जाएगा। इस वक्त मैंने बताया एक चांस ले सकते हैं आप, वो ये कि ये तोड़ने का प्रोडक्ट होता है और बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट भी होते हैं, मामला ये भी है कि वो इफेक्टिव प्रोडक्ट आप तक पहुंच जाए। इसको तोड़ के कुंभक शुरू करेंगे, ये निकलना शुरू हो जाएगा। अगर ये अपने ही निकल जाता, और ये निकलता है, अपने आप निकल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता तो सर्जरी का के रिमूव कर दीजिए, तो कोई चारा ही नहीं है। स्वामी जी एक प्रॉब्लम, स्वामी जी सर्जरी नहीं करके वो लेजर से भी तोड़ के भी वो हो सकता है ना? हाँ हाँ, वो तो बोल दिया मैंने, लेजर से तोड़ के अगर कुंभक शुरू करेंगे निकल जाएगा।